अगर किसी से पूछो इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट शूटर कौन है, तो उसमें सबसे पहले नाम राम कुमार का आता है। आपके डैड सेंटर थे, तो किस तरीके की ट्रेनिंग हुआ करती थी उनकी, और उन्होंने बीइंग अ सेंटर आपको एज अ शूटर कैसे तैयार किया? पिताजी मेरे वो जो है, वैसे तो हालांकि वो तो थे सेंटर प्लेयर, पिवट प्लेयर, ठीक है। अब मैंने भी जो स्टार्टिंग की तो उसी पोजीशन से स्टार्ट करी, लेकिन फिर बाद में हाइट उतनी नहीं निकली, तो मैंने कहा यार अपन थोड़ा तो फॉरवर्ड प्लेयर ही बनेंगे तो ठीक है। उन्होंने भी कहा कि ठीक है तुम शूटर बनो। ओके, तो जो उनका शूटिंग का स्टाइल था एग्जैक्टली तो वो अडोप्ट नहीं कर, होता भी अलग अलग ही होता सबका शूटिंग, लेकिन कैसे बॉल को रिलीज करना है और कैसे करना है ये उन्होंने जो बताया उसी तरीके से मैंने अडोप्ट किया था। लेकिन ये था कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस थी उनके कंपैरिजन में प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल था। वो तो बताते थे, मैं कभी पूछता था पिताजी आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, वो आर्मी में थे, तो आर्मी में क्या होता है कि भाई वो उनको तो फ्री है टोटली सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करने के लिए। वो बोले मैं 7-8 घंटे एक ही प्रैक्टिस करता था कि बॉल ली, टर्न किया, मारा, टर्न एंड शूट, राइट से लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट से। एक उनका बड़ा यूनिक स्टाइल था कि उनको कोई 7 फुट का फिर भी गार्ड नहीं कर सकता था, कि वो ऐसे लंबा स्टेप लेकर के टर्न के टाइम में और एयर में स्टे करके मारते थे बॉल। तो कितने भी टॉल प्लेयर हो उनको गार्ड नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल पड़ता था। हालांकि उनकी 6'4" हाइट थी, लेकिन 7 फिट का हाइट भी उनको गार्ड नहीं कर सकता, ये उनका फुटवर्क इस तरह का था। लेकिन वो ऐसे अभ्यास से हुआ कि 2-3 प्लेयर बॉल पकड़ाने वाले हैं और फिर उनको जो है ना बोलते तुम फाउल करो, कुछ भी करो, लटक जाओ यहाँ पर, ये करो, तो इतने टफ हो गए थे कि भी वो ऐसी प्रैक्टिस की जब सुनाते थे चीजें तो हमें भी बड़ा फिर जोश आता था कि भी ठीक है वैसे ही करेंगे। तो मेरी प्रैक्टिस जब कराते थे तो जब प्लेयर बराबर के नहीं है, वहाँ फौजियों की टीम उनके पास प्रैक्टिस करने बहुत आती थी, तो वो क्या है कि भाई 2 प्लेयर गार्ड करेंगे, 2 चेक करेंगे तब शॉट डालो, उनको फाउल भी अलाउ कर दिया शॉट डालो, ठीक है। तो वही 400-500 शॉट्स रोज फेंकना, रनिंग करना, बड़ी मेहनत उन्होंने मुझे कराई। जब कोई नहीं अवेलेबल तो खुद भी बॉल पकड़ाते थे भी चल शूट कर। 83 में आपने अपना पहला नेशनल खेला, और बचपन में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया? आपके डैड स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, आपको सुबह ट्रेनिंग पे लेके जाया करते थे, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं किस स्पोर्ट में आ गया हूँ और मैं फंस गया हूँ यहाँ पर? नहीं, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, वो चीज नहीं आई। वो मेरा खुद का इंटरेस्ट भी था कि भाई जो है ना मैंने डेवलप करना है, तो ये था कि भाई, और श्रीराम रेउंस की टीम उस टाइम बड़ी अच्छी थी, हनुमान सिंह जी, अजमेर सिंह जी, ये और ये उसमें पूनिया जी थे, बड़े अच्छे रिबाउंडर थे। वैसे तो पहले ये कटारिया जी, परमजीत सिंह ओलंपिक, ये लोग भी उसमें रहे हैं, पर वो बड़े थोड़े टाइम रहे थे। और उसके अलावा जे कानन एक बड़ा अच्छे प्लेयर साउथ के थे, 6.5 फिट हाइट, राजस्थान टीम से भी, बड़े टीम बड़ी अच्छी थी, ये टॉप टीम थी उस टाइम। रेलवे से पहले आप इनकम टैक्स में थे, वहां पर कैसी ट्रेनिंग हुआ करती थी आपकी? जब इनकम टैक्स ज्वाइन करी तो हमारा जो काम और भी टफ हो गया था, क्योंकि जो मैंने बताया वो आईटीओ साहब थे जिन्होंने टीम बनाई थी ना, श्री मोहन लाल जी, उनका ऐसा था कि वो स्कूटर उठाते थे सुबह, हमारा जो ऑफिस था ना उसके बीच में बास्केटबॉल ग्राउंड बना हुआ इनकम टैक्स का, स्टैचू सर्कल पे, वहां से सवाई मान सिंह स्टेडियम पहले जाते थे, पूरी टीम दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचती थी, फिर उसके बाहर से 8 चक्कर उसके मेन गेट से और पेवेलियन तक का करीबन 200-250 मीटर है, उसकी 15-20 स्प्रिंट उनके लगवा करके और वापस स्कूटर पर, फिर वो स्कूटर पर हम दौड़ते हुए, तो करीबन 8-10 किलोमीटर की तो रनिंग वैसी हो जाती है। देखो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं थी, अब हमें लगता है कि भी वो जो है ना वो चलो ठीक हमने करी है उनसे, हमारा थोड़ा सा वो एंड्योरेंस लेवल तो बड़ा अच्छा बन ही गया था, डाइट लेनी है बड़ी, डाइट हमारी बड़ी अच्छी होती है, तो वो बीच में नाश्ता करके और फिर बोलते हुए 1000 बॉल फेंको, तो हमारी 6:30 से प्रैक्टिस शुरू हो करके और वो 12 बजे खत्म होती थी, और शाम को फिर 4 बजे आते, बोलते कि भी अभी जब लाइट वाइट नहीं लगती तो हमें जल्दी 4 बजे जाते थे, 4 बजे फिर बोलते पहले 1000 रस्सी कूदो, उसके बाद ग्राउंड पे इस बास्केटबॉल ग्राउंड के एक एंड से दूसरे एंड तक 50 स्प्रिंट मारो, अब फिर गेम खेलो,
तो वो शाम का भी वैसे ही होता था। तो इस तरह का हमारा जो है ना चलता था। मैं बताऊं इतना क्रेजी में था कि जब हमारा राजस्थान टीम का जब कैंप लगता था तो ये शेड्यूल हमारा मतलब फिर नहीं रह पाता था ना, तो वो प्रैक्टिस 6:30 बजे से शुरू होती थी। तो सब बोलते हैं कि रामकुमार इंडिया के ऑल टाइम बेस्ट शूटर हैं आज के, और लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि कितनी मेहनत आपने की है। तो आज मैं भी ये जानना चाहता हूं कि कितना आपने हार्डवर्क किया है एक अच्छा शूटर बनने में। इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट शूटर का जो खिताब है वो आज भी आपको दिया जाएगा, तो कितना हार्डवर्क उसके पीछे इन्वॉल्व है। सुबह मैं 2:30 बजे उठ जाता था, 3:30 बजे पता था मेरे को अपनी ये 500-600 बॉल है ये पूरी करनी है, फेंकनी है, और एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिबल करते हुए जाओ, बास्केट वहां मारो, उधर मारो, इधर मारो, ये एंड्योरेंस का काम इतना करना ही। तो वो उस टीम की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले खत्म कर ले, 3:00 बजे उठ जाके लाइट जला लेनी और जो है ना वो अपना ये शेड्यूल पूरा कर लिया और फिर उनके साथ प्रैक्टिस कर। ये पिताजी बताते थे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उसके बिना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने बिना कोई वैल्यू नहीं। अगर ये बात आज किसी को बता दो, किसी बास्केटबॉल प्लेयर को, कि जितनी मेहनत आपने की है उतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी आपके लेवल तक पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बास्केटबॉल खेलने ही नहीं आएगा। उस टाइम पे आपका कुछ रिकॉर्ड है, याद है आपको कि कितने फ्री थ्रोज आपने ट्रेनिंग में एक साथ कन्वर्ट किए हो? फ्री थ्रोज अब मैं नेशनल कैंप में था जब पटियाला में, तो फ्री थ्रो मार रहे थे, 80 फ्री थ्रो लगातार मारी थी, उसके बाद एक मिस हुई थी, फिर मैंने दोबारा मारनी शुरू की तो 120 पर खत्म करी थी 120 तो फ्री थ्रो तो मतलब चलो ऐसा था। अब ये दिक्कत आती है लोग अब कहाँ प्लेयर कहाँ मार पाते हैं फ्री थ्रो, एक प्लेयर मारी, दो मारी, 10 तो पूरी करनी मुश्किल पड़ती है उनके लिए। 120 फ्री थ्रोज, थ्री पॉइंटर्स कितने आप प्रैक्टिस किया करते थे? थ्री पॉइंटर्स की थ्री पॉइंटर करीबन 300 शूट्स आपने कितने शॉट्स लेने? शॉट्स तो बताया कि मैं शॉट्स जो है ना जैसे 1000 का टारगेट उस टाइम हमारे पास रहता था ना, मुश्किल पड़ते थे 1000 को, बहुत 800-900 इतना करते हम लिखते जाते थे कितने तो इतने हो गए है ना, तो शॉट्स तो इतने बहुत लिए, और थ्री पॉइंट भी उस टाइम आ ही गया था इतना, तो थ्री पॉइंट उसमें आप समझो कि 400-500 थ्री पॉइंटर भी उस टाइम हो ही जाते होंगे। एक बार नेशनल कैंप में हम थे 88 की बात बता रहा हूँ, तो IG स्टेडियम में कैंप लगा हुआ था हमारा, ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा आते थे तो 500 बॉल फेंकते थे, उसके अंदर आप समझ ले कि 250-300 तो थ्री पॉइंट है ही। थ्री पॉइंट का मेरा जो है ना प्रैक्टिस भी काफी करी और अच्छा कन्वर्जन भी रहता था, मतलब 87 एशियन चैंपियनशिप के अंदर वहाँ जो है ना टॉप थ्री पॉइंट शूटर्स में ही था मेरे पास, जो हमारे पास लाइजनिंग ऑफिसर था उसने वो बताता था पहले आप सबसे ऊपर आप चल रहे हो थ्री पॉइंट शूटर्स में, वो जो दूसरे प्लेयर अपना नहीं है कर रहे, लेकिन बड़े अच्छे काफी इम्प्रेस थे वो लोग थ्री पॉइंट। कैंप्स के टाइम पे कुछ कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ एंटरटेनर्स होते हैं, तो आपको कौन सबसे ज्यादा एंटरटेन करता था आपके दोस्तों में? मैंने सुना कोई एक पंजा लगाने वाले आपके दोस्त बड़े अच्छे थे, कुछ लोग चेस बहुत अच्छी खेला करते थे। रेणु CRP में था दिल्ली में ही, जसविंदर नाम उसका, ऐसे CRP की बड़ी अच्छी टीम उस टाइम बनी थी, तो सबसे ज्यादा जो है ना वो एंटरटेनमेंट मतलब करने वाला बंदा वही, मजाक बड़े करता था वो, पंजा लड़ाने का बड़ा शौकीन, तो वो 2-4 को जब तक हरा नहीं ले पंजे में तो बड़ा मुश्किल था उसे, वो फिर कोई तैयार ना हो तो 2 बंदों को तैयार करता था, यार तुम आ जाओ, दोनों को एक साथ में ऐसे ले करके कर देता था। हाँ मेरे साथ में जब खसता था तो काफी देर तक उसको मैं फंसा लेता था, वो बोलता था आप जो है ना वो इतना सस्टेन कर पाते हो लेकिन दूसरे नहीं कर पाते, आप ये बस, लेकिन वो फाइनली वो तो हरा तो देता ही था मेरे को भी। एनविन बड़ी मजाक करता था उस टाइम, एंथनी केरला पुलिस में था वो, तो अब वो एक पंजे वाली बात है। फिर एक कुलविंदर गिल जो है वो अभी इंदौर का है, वो हमारे साथ इंडिया टीम में खेला, तो वो पंजे का शौकीन, वो चेस का, तो हम जब प्रैक्टिस खत्म करने के बाद फिर चेस खेलते थे,
तो चेस में जो है ना वो बड़ा दिमागधारी, तो मैं और रेणु एक तरफ और वो दोनों दिमाग लगाते थे कि इसको कैसे हराया जाए चेस में, पर वो हमें हरा देता था चेस। तो हम जब डिस्कस कर रहे होते तो बोलता है आधी चाल तो तुम लोग मुझे वैसे ही बता देते हो डिस्कस कर करके। तो ये उस टाइम बड़ा अच्छा लगता था। अजमेर सिंह इज अगेन काइंड ऑफ लेजेंड इन बास्केटबॉल, और आप और अजमेर सिंह साथ में बहुत खेले हैं इंडियन रेलवे के लिए और इंडियन टीम के लिए, सो हाउ गुड ही वाज, थोड़ा उनके बारे में बताएं। अजमेर सिंह जी, हाँ, पिताजी खुशीराम जी जो है इनको लेके आए थे, ये पहले हरियाणा पुलिस में थे, उन्होंने देखा इनको तो फिर श्रीराम रेणु कोटा में लेके गए थे और वहां इनको मेहनत करवाई, चीजें बताई, जो टेक्निक वो एज ए पिवट करते थे वो इनको सिखाई, और बड़ा अच्छा कैच भी किया इन्होंने इनका, मतलब ईएसबी ने स्मार्ट प्लेयर जिसको कि ज्ञान प्राप्त हो जाता ना कि कैसे मैंने खेलना है, चाहे डिफेंस ऑफेंस, तो वो इनको समझ आ गई थी कि खेलना कैसे। इनके साथ खेले हम लोग, मैं जो है ना पहले तो अगेंस्ट में खेलते थे जब, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में था और ये श्रीराम रेणु में, तो हमारा यही था कि भी इनको हराना हमने। तो अजमेर सिंह जी टीम में और वो कानन दूसरे लंबे और मान सिंह जी, इस टीम को हम हराने का लक्ष्य रखते थे ये भी ये, और कई बार गेम फंस भी जाता था बहुत, पर इनको रुकाना भारी पड़ता था क्योंकि हमारे पास तो टोट लंबा प्लेयर होता भी नहीं था, और इनके साथ वैसे भी वहां थे तो मैं वन ऑन वन की प्रैक्टिस करते थे, इंडोर करते थे, तो बड़ा मुझे बड़ा एडवांटेज था ना कि इतने लंबे प्लेयर और एक्टिव प्लेयर और इतने ऐसे इस लेवल के प्लेयर के साथ अगेंस्ट में खेलना, तो मेरा बड़ी प्रोग्रेस उससे हुई। और जब साथ खेले हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, स्क्रीन वो लगाते मैं शूटिंग में बाहर निकला, प्लेयर उनका छोड़ के आया तो मैं इनको पास डाल दी, इन्हें पोस्ट पे बना दिया, फ्री निकला हूं तो मार दिया। जब तक साथ में खेले हैं तो ये हमारा इस तरह का बड़ा चला है। बाद में तो जैसे लास्ट के पीछे के नेशनल्स में तो फिर ये खेलना बंद कर दिया था, तो मैं अकेला ही था उस टाइम, तो मैंने फिर अपने ऊपर फिर काफी काम किया, वन ऑन वन में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और मैं अभी भी समझता हूँ कि 2002 मेरा जो लास्ट नेशनल था वही मेरा बेस्ट नेशनल था, मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे भी समझ थी कि मैंने कैसे खेलना है, कैसे प्लेयर को बनाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। जो टीम कई बार टारगेट लेके चलती है इसको रुकाना है, हमने तो उस टाइम में ये था कि सबसे लंबा प्लेयर ही लगा के रखते थे कि भी जो लंबा भी व्यक्ति हो तो इसको लगाओ, और फिर हेल्प बड़ी देते थे कि भी इससे निकल जाए तो दूसरा इसी पर तैयार हो, इसको पास पास करवा दो करो ये। और इन चीजों ने मुझे, जब मैं अब कोचिंग करता हूं ना और देखता हूं कि शूटर को किस तरह से आपको तैयार करना, तो मैं उसको जो बात बताता हूं वो यही है कि भी आपको तो मौका बड़ा मिल रहा है यार मारने का फेंकने का, है मेरे पास तो ये चैलेंज ये होता था कि पहली बात तो बॉल लेने का कि रिसीविंग करनी बॉल, और फिर अपने लिए रूम बनाना कि भी कैसे मैंने एक मौका ढूंढना कि हाँ अटेम्प्ट ले लूं, क्योंकि लंबा चौड़ा आदमी गार्ड कर रहा है सामने से, है उसको कैसे बना के थोड़ा सा स्लॉट मिलेगा आपको उसको मारना है, तो मिसिंग तो दिमाग में रहती नहीं थी, यही रहता था कि मारने का मौका मिल जाए तो मारूंगा अंदर ही, तो ये थोड़ा सा एक मेंटली चीज होती है आदमी के, जब टफ चैलेंज मिलते हैं तो वो, क्योंकि मेरी हाइट कोई बास्केटबॉल के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, 6 फीट तो कुछ भी नहीं है ना, तो उसमें इस लेवल पर आगे अगले लेवल पर खेलना, इंटरनेशनल के अंदर खेलना मुश्किल पड़ता है। यूएस के अगेंस्ट जब हम यूएसए में हम गए थे खेलने, तो मेरी स्कोरिंग वही 22 पॉइंट 25 पॉइंट 26 पॉइंट इतनी रहती थी, तो उनमें भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वही रहता था कि भाई आपने ऐसे बनाना है, और स्कोरिंग भी होती थी उसी टाइम क्योंकि प्रैक्टिस इस तरह की, मेंटल उस तरह का लेवल था, फिर ये थोड़ी समझ थी कि भी हाँ यहाँ जाऊंगा तो बॉल भी मिलेगी और शूटिंग अपॉर्चुनिटी। आपके टाइम पे पंजाब अच्छी होती थी, सर्विसेज अच्छी थी, तमिलनाडु अच्छी थी, बिहार भी एक अच्छी टीम बन के आई थी, कौन सी ऐसी टीम्स आपको लगता था कि ये बहुत अच्छी टीम है? टाइम टाइम पर राइवल बदलते रहे, जब शुरू में थे पंजाब बड़ी अच्छी होती थी, सज्जन सिंह थे इसके अंदर, पंजाब पुलिस की टीम थी तो वही नेशनल के अंदर भी खेलती थी, पंजाब से हमारा फाइनल हुआ था कटक के अंदर, हम सेकंड रहे, लूज कर गए थे, हम पंजाब से जीते थे लीग के अंदर, लेकिन उसमें तो उस टाइम पंजाब थी, तो सर्विसेज बाद में फिर सर्विसेज रही है, सर्विसेज को हमारे 86 में हम सर्विसेज जीते थे फाइनल में, जो लखनऊ नेशनल जब राजस्थान टीम से था, और 87 में सर्विसेज टीम फाइनल में थी हमारे अगेंस्ट, 88 में भी,
तो 3-4 साल सर्विसेज रही, उसके बाद के अंदर फिर तमिलनाडु बड़ी अच्छी हो गई थी। जब ये शाहिद वगैरह बिहार में आए, एक टाइम था जिम्मी था, जॉनी था, हाँ ये लोग थे, तो बड़ी अच्छी इनकी टीम उस समय, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन 3-1-3-1 का जोन इन्होंने बड़ा इनका अच्छा इन्होंने सेट किया था, और कई टूर्नामेंट्स में ये बड़े बढ़िया खेलते थे। इसको मैं उस टाइम एक स्पेल आया कि लगातार प्लेयर अच्छे अच्छे चले गए, बाद में इस्लाउद्दीन लंबे ने भी वहीं ज्वाइन किया था, इनके जेपी सिंह हैं और उन्होंने कोचिंग की, बड़ी अच्छी टीम बनाई थी, रियाजुद्दीन भी उसी में गया था, तो एक वो और था जो बाद में इसमें आया, चीकू भंडारी था, भंडारी निशान, भंडारी चीकू, हाँ निशान, तो ये जो है ग्रुप इनका उस टाइम टीम डिस्को की बड़ी अच्छी रही। टाटा का आपने नाम लिया एंड मेरे को जयदीप धालीवाल की एक बात याद आ गई कि रावत जो थे वो आपको रोकने में थोड़ा सा कामयाब हो जाया करते थे, बिकॉज सिंस लाइक यू वर अनस्टॉपेबल, तो वो कुछ ऐसा करते थे कि आपका जो स्कोरिंग रेट था वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेते थे, तो क्या वो चीज थी कि रावत आपको रोकने में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि रावत अकेला ही था, रोकने वाले तो बहुत से लोग थे जो कभी रोक लेते थे, लेकिन वो डिफेंसिव प्लेयर थे ना, उनसे मुझे सीखने को मिलता था कि भी मतलब एक आध बार अगर ऐसा हो गया तो नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी में रहता था पूरा कि भी इसमें आप मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो रावत क्या है ना कि वो इंटरसेप्शन बड़ी करता था, देखिए उनकी टीम के लिए बड़ा बेनिफिशियल प्लेयर था, कभी बहुत स्टार प्लेयर्स में नहीं आया, लेकिन वो कि डिफेंस में किसी पर लगा दिया कि डिफेंस में कर ले, रिबाउंड ले ले, इंटरसेप्शन कर ले, अब वो भागता रहता था, मुझे कहता था राम भाई यार प्लीज मत भगाओ इतना, उसके वो कॉमेडी बड़ी करता था मतलब ठीक है वो हम मेरे अपोजिट खेल रहा है या कुछ भी है, हम कभी अपोजिट टीम में ऐसा नहीं मानते कि दुश्मन है, इन लोगों के साथ खेलने में मजा ही आता था, ऐसा कुछ नहीं। जिम्मी खुद भी बड़ा जो है ना वो फनी मतलब जॉली प्लेयर है, शाहिद कुरैशी, सब जॉली नेचर वाले लोग थे, खेलते थे तो मजा ही आता था, तो बीच बीच में रावत ऐसी हरकतें भी करता रहता था काफी ना, तो ठीक है चलता था, रीच बड़ी अच्छी थी रावत। सो ये सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है खासतौर से आपके लिए, बिकॉज आपका जो एक प्लेइंग या फिर ये कहे कि बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ जो एक स्पैन है वो बहुत बड़ा है और थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। मैं आपको 3 पोजीशंस दूंगा और उसमें आपको आपके 5 पसंदीदा प्लेयर्स, आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो आपके हिसाब से आपको बड़े अच्छे लगे, उनके नाम आपको लेने हैं। सो सिंस यू आर अ शूटर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राम कुमार के ऑल टाइम बेस्ट 5 शूटर्स से। शूटर्स में 5 के शूटर्स तो बहुत ज्यादा है, अब मतलब शूटर इंडिया में अच्छे अच्छे आए हैं, मैंने देखे सुरेंद्र कटारिया जी जो है ना वो भी एज ए शूटर मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थे, तो उनका भी जो प्रैक्टिस का तरीका था वो ऐसे ही बताते कि वो बच्चों को ले आते थे उनको, उस टाइम तो खैर 20-25 पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी ना, बोला वो ऐसे देते थे उनको भी, चल तू बॉल पकड़ाता रहे मुझे, और वो शूटिंग करते रहते थे लगातार, क्रैक शूटर जिसको बोलते ना, तो क्रैक शूटर बोलते। उसके बाद मैंने देखे हैं सज्जन सिंह चीमा जो है वो ऑल टाइम ग्रेट शूटर रहे, श्रीधर जो है वो बड़ा अच्छा शूटर रहा है, ONGC में है वो, पहले तमिलनाडु में जो रॉबिन्सन के साथ में बड़े, तो श्रीधर शूटर तो खैर अच्छा था ही था, बट उसको रिबाउंडर बड़ा अच्छा था, टीम के लिए बड़ा बेनिफिशियल मैं उसी को मानता हूँ। देख तो शूटर मतलब एक तो हाई परसेंटेज शॉट्स है ना, ये नहीं कि हर मैं 35-40 पॉइंट डालता हूँ, वो तो आसान काम होता है जब टीम आपके ऊपर ही डिपेंड है और आपको सारी बॉल मिलती है, आप फेंकते हो कितनी मिस करते हो कोई पता नहीं, पर वन टीम जीतती है आरती से मतलब नहीं, तो 40-30 पॉइंट ऐसे मार सकता है, लेकिन वो बेनिफिशियल जो टीम के लिए होता है श्रीधर जो है वो अच्छा रहा। बाद में त्रिदीप राय जो है वो एक्चुअल में जो शूटर में आपको बताऊंगा, त्रिदीप राय 4 हो गए ना, अब आपको 5 एक और मुश्किल पड़ता है कि मैं भी याद ही कर रहा हूँ नहीं है हमारे रेलवे में महेंद्र बहुत अच्छा शूटर है, ये वो है कि 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट मारने वाले प्लेयरों में और बड़ी अच्छी रिलीजिंग उसकी, अभी तो कोचिंग में मेरे साथ में। गुड टू नो कि आपने उसमें श्रीधर का नाम लिया, त्रिदीप का नाम लिया, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। तो शूटर से अब हम आते हैं सेंटर्स पे, राम कुमार के ऑल टाइम बेस्ट
5 सेंटर्स। अजमेर सिंह जी तो नो डाउट नहीं है, पोस्ट प्लेयर में जहां बात करते हो तो पिताजी खुशीराम जी के नाम से शुरू होती है, उन्हीं के नाम से शुरू होता है। और सरबजीत सिंह जी को मैंने बिल्कुल नहीं देखा, जो फर्स्ट अर्जुन अवार्डी, वो भी पोस्ट प्लेयर ही थे। और उनके बारे में मैंने, क्योंकि पिताजी बताते रहते थे भाई वो प्लेयर ऐसे थे जो रिंग नहीं देखते जो रिंग नहीं देखते, ठीक है ना। तो ये खासियत की वजह से ही मैं लग भैया, अगर जो प्लेयर को रिंग ही देखने की जरूरत नहीं पड़ती तो किस तरह का होगा, घूमे मार दिए। तो पोस्ट प्लेयर सीनियर ओम प्रकाश लेफ्ट और राइट दोनों से हुक शॉट मारते थे। ही वॉज द ओनली प्लेयर इन इंडिया जो पोस्ट से प्लेयर से लेफ्ट से भी और राइट से भी हुक शॉट, आज भी हैं वो अभी काफी टाइम। और खुशी की बात यह कि उस टाइम जब मैंने एंट्री करी तो उस टाइम वो नेशनल कैंप में थे मेरे साथ। और राधेश्याम जी नहीं है, और राधेश्याम जी मेरे साथ सिंगापुर टूर पे थे, मेरा फर्स्ट था, उनका लास्ट था, उसके बाद इंडिया टीम में नहीं खेले। उसके बाद आए तो परमिंदर सीनियर आया जो कि पोस्ट पे खेला, और जो दिमाग वाला प्लेयर, कैसे अपनी बॉडी को यूज करना है, तो वो उसके पास एक सेंस था। खैर सब बोलते थे कि टॉल है जी और ऐसे कहता, मैं बोलता कि वो उसको समझ है खेलने की कि कैसे खेलना है मैंने, क्योंकि रिंग के नीचे पोजीशन कैसे लेनी है विद बॉल और विदाउट बॉल, ये सेंस था एथी को। और इसी वजह से वो इतने लंबे टाइम खेल गए। जयशंकर का ऐसा था कि जयशंकर जो है वो पोस्ट पर भी खेलता था, वो तो बाहर भी खेलता था, लेकिन एज ए पोस्ट प्लेयर ही कंसिडर करूँ जयशंकर में ही, जयशंकर में ऑल टाइम सब दूसरी तरह की क्वालिटीज थी। जयशंकर तो वो फील्डर भी बन जाता था लेकिन ये जो प्लेयर है ये पर्टिकुलरली पोस्ट पे खेले, तो 5 नहीं मैं 6 बताऊंगा कि ये जो है ना। नो डाउट अजमेर सिंह, खुशीराम, एक एक बहुत बड़े नाम हैं, ये लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन बास्केटबॉल के। तो सेंटर से अब हम आते हैं बॉल हैंडलर्स के, आपके 5 पसंदीदा ऑल टाइम बेस्ट 5 बॉल हैंडलर्स। हनुमान सिंह जी, उनके साथ तो मुझे खेलने का मौका बहुत मिला, जो लास्ट नेशनल राजस्थान से मैं खेला हूं, मैं टीम का कैप्टन भी था, 86 में हम लोग नेशनल जीते भी थे। तो हनुमान सिंह जी की पास मुझे ध्यान है कि मैं बिल्कुल पास ब्रेक के लिए भाग चुका था आगे, और ये बिल्कुल इस एंड लाइन पे थे इसको कि इन रिबाउंड लेके इनको किसी ने पास दिया था, तो वो पास इतना स्ट्रेट इस एंड लाइन से और मैं बिल्कुल रिंग के नीचे, मुझे ध्यान है इस तरह का पास किसी का इंडिया में इस इतनी दूर से स्ट्रेट इस लाइन, और कैसे आया वो पास मेरे लिए पकड़ना मुश्किल था, उसमें स्पीड तब भी इतनी ज्यादा थी उनको जब खेलते थे तो उनके पास बड़े तेज आते थे, तो उनको पकड़ना थोड़ा तैयार रहना पड़ता था कि हाँ यार ये पास हनुमान सिंह जी का तुम्हें पकड़ना है। उसके बाद में जो है ना ये गौतम आया ना कर्नाटक का, बड़ा अच्छा था, सन्नी, सीवी सन्नी, सेंसिबल, विशेष जो है ना वो बड़ा अच्छा काम है, संभाजी कदम भंडारी है, बिल्कुल विशेष भंडारी कदम संभाजी कदम, मतलब 5 नहीं मैं ये कहूँ 6-7 लोग एक ही तरह। गौतम वगैरह बड़ी क्या स्कोरिंग बड़ी अच्छी थी, हनुमान सिंह जी स्कोरिंग खुद नहीं करते थे, वो तो रिंग पर जाके भी 5 फेंक देते थे दूसरे को और अजमेर सिंह जी का और इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, है वो पीछे दौड़े आ रहे थे तो इनको दे देते थे, ऐसे हमें भी समझती कि हाँ हनुमान सिंह जी पास का आ गया। तो मैं खेला, कम मौका मिला खेलने का, बट हाँ नेशनल जैसी जगह पे खेले तो उस टाइम स्कोरिंग 30-35 पॉइंट करना कोई मुश्किल काम नहीं था जब हनुमान सिंह जी फील्डिंग कर रहे हो। और एक बताऊंगा आपको कि जहां तक मैं जब गार्ड्स की बात करें तो राहुल चौधरी, आपने भी मेरे ख्याल में कभी मुलाकात नहीं हुई, हम बड़ा खेले, ही वॉज नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर, बड़े सरप्राइजिंग राहुल चौधरी वेल टैलेंटेड प्लेयर। अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में आपकी ड्रीम टीम की, जब आप खेलते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, कभी सोचते हैं कि यार अगर उस टाइम का ये प्लेयर और अभी का ये प्लेयर टीम में आ जाए, ये टीम बन जाए और उसमें ये प्लेयर्स हों तो बहुत अच्छी टीम बनेगी। सो आपको एक ऑल टाइम बेस्ट टीम बनानी है 5 प्लेयर्स की, जो आपको लगता है कि अगर ये 5 प्लेयर एक साथ खेलते तो
बहुत अच्छा एक एक टीम बनता, उसमें वो पांच प्लेयर्स कौन से रहेंगे? पांच प्लेयर अगर माने, और बट ये देखो ऐसा ये बड़ा मुश्किल सवाल है वाकई में क्योंकि पिताजी के टाइम में तो ज्यादा प्रॉब्लम थी कि वो कोरिया ओरिया टीमें क्या की थी, फुल कोर्ट प्रेस करती थी कि बॉल लाने वाले बासी भाई एक ही होते थे। बाद में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं, पांचों प्लेयरों का बॉल लाने में रोल होता है ना। पिताजी को बॉल हैंडलिंग और वो सब आती थी तो उनको काम आता था कि भाई मुझे, वो बोलते थे भाई मुझे बॉल ला के दे दो या पोस्ट पर, दो पॉइंट मुझसे ले लो चाहे वो कोई सी टीम खेल रही हो बढ़ के। तो ये उनका था, और वो जब बॉल मिलती थी दो पॉइंट दे भी देते थे, ये था उनका हिसाब किताब है ना। तो अगर पोस्ट, दो पोस्ट प्लेयर खुशीराम जी हो गए पिताजी, अजमेर सिंह दो ये पोस्ट प्लेयर हो, विशेष जैसा गार्ड रहे त्रिदीप शूटर, एक मैं रखूंगा यादवेंद्र जो कि ऑलराउंडर, इस तरह की मेरी टीम बनती है अगर आप मुझसे पांच बनाए, ये बेस्ट टीम होगी जिसके अंदर बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन। सो अगेन ये सेगमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसमें मैं एक प्लेयर का नाम लूंगा और आपको उनके बारे में एक लाइन में या एक वर्ड में बताना होगा। सबसे पहले मैं नाम लूंगा सर प्रकाश का, फाइटर, अजमेर सिंह, स्मार्ट प्लेयर, जयशंकर मेनन, अलसे ब्रेनी, दिमागदारी है, जिमी धालीवाल, जॉली फेलो, शाहिद कुरैशी को गुड प्लेयर पर मस्करा भी बोलूंगा मैं, मस्ती बड़ी करता था, परमिंदर सिंह सीनियर, हैप्पी, पावरफुल प्लेयर है, मतलब सीरियस गाय है, सज्जन सिंह चीमा, ग्रेट शूटर इन हिज टाइम, सज्जन सिंह चीमा तो गेम के लिए भी काफी कुछ किया, मतलब जो ये मैं गिदड़ वाला टूर्नामेंट वाला बता रहा, जब पोस्टिंग हो रही है तो ग्राउंड भी बनाया, टूर्नामेंट भी शुरू कराया, प्लेयर भी काफी पंजाब पुलिस में लेके आए हैं भर्ती के, तो काफी योगदान रहा है उनका, अभी भी एक एकेडमी खोल रखी है गांव में चलती हो। दो फीमेल प्लेयर्स जो ऑल टाइम ग्रेट हैं इंडिया के, सुमन शर्मा वो डिसेंट पर्सनालिटी है, अपर्णा घोष बहुत अच्छी प्लेयर रही है रेलवे की, तो काफी सर्विस की है लंबी उन्होंने, हाँ खुली भी रही है यहाँ तो रेलवे बोर्ड में आरएसपीबी में रही है, तो बास्केटबॉल उन्होंने देखा उस टाइम। हनुमान सिंह जी बोलते बहुत कम, बहुत ही कम, इतने साइलेंट प्लेयर मैंने कभी नहीं देखे, वो मतलब आउट ऑफ द फील्ड भी साइलेंट ही है, बोलते नहीं, उनका बस चलो सिर्फ इशारों में ही बात करें बोलते नहीं, बट आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर डैड लेजेंडरी श्री खुशीराम जी को मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन, एक ही वर्ड उनके लिए कहूंगा। बहुत अच्छा खेला आपने ये सेगमेंट और बड़ा अच्छा लगा आपकी ओपिनियन इनके बारे में जान के। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आपके जूनियर प्लेयर्स को, आपके ट्रेनिंग्स को, आपके कलीग्स को, बीएफआई को या रेलवे को, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? तो यंग प्लेयर्स से तो अब मैं तो यही सुझाव उनको दूंगा, यही सलाह दूंगा कि कमिटेड रहें, जो आपके लिए इतनी फैसिलिटीज दी गई हैं उनके लिए आप जस्टिफाई करें अपने आप। आज अगर इंडिया टीम में खेल रहे हैं तो सिर्फ इंडिया टीम में खेलना एक मकसद ऐसा ना बनाए, इस टीम को बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, अच्छा इसको इम्प्रूव करनी है सिचुएशन, बास्केटबॉल का स्टैंडर्ड ऊपर आए, इस तरह के काम करनी, मेहनत करनी है और डिसिप्लिन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लैकिंग इस टाइम में हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन, एक अच्छा डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट एक दूसरे की भी करें, सीनियर्स की भी करें, ऑफिशियल्स की भी करें, रिस्पेक्ट करें और मिलजुल के रहें, वो मेल मिलाप, वो दोस्ताना व्यवहार वो वापस से लेकर के आए सब,
जब दिल मिलेंगे तो कॉम्बिनेशन अपने आप ग्राउंड में दिखेगा। और आप अच्छे हैं, आपके साथ भी जो है ना बड़ी अपन ने के कितने नेशनल्स में जो है ना बड़ा देख करके मुझे अच्छा लगा, आज भी अच्छा लगता है आशीष। मैं आपको भी दुआएं देता हूँ, बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सभी को। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, खासतौर से जो आपने बातें बताई उस दौर की कि आपके जो डैड थे, आपके फादर साहब थे, वो किस तरीके से ट्रेनिंग किया करते थे और आपको करवाया करते थे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने देश का नाम रोशन किया एज ए प्लेयर, आप कोचिंग में भी देश के लिए उससे ज़्यादा नाम कमाएंगे और बहुत जल्द हमारा जो इंडिया है वो एक एक मेडल ज़रूर लेके आएगा एशियन गेम्स में, एक बड़े मेजर टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।